हेलो। हाँ हाँ भैया, कौन बोल रहे? तो अभी फोन आया जी, था मैं हाँ मृत्युंजय शर्मा बात कर रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी से। मृत्युंजय जी। कौन भैया? शर्मा, हिंदू युवा मृत्यु? वाहिनी से। जी मेन जी चीज आप जी हमारा मैसेज सुन लीजिए, हम कौन बोल रहे हैं इससे हमारा कोई मतलब भी नहीं, आपको भी जी नहीं होना चाहिए। जी 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 मैसेज ये है कि आप लोगों की कोई कंप्लेन गई है सट्टे की, हम लोगों की मैं रिकॉर्डिंग, कोई कंप्लेन आप लोगों की गई है, तो कोतवाल साहब कल मीटिंग रखे हैं युवा वाहिनी कार्यालय पे सारे लोगों के साथ, तो वही बातचीत होनी। तो थाने से जरूर नहीं, कोतवाल साहब हैं, कोई एक उनका होगा उनकी तरफ से बात रखने वाला, तो जी आप लोग बातचीत करिए फिर, कैसे लोगों से क्या करवाया जाता है, मतलब कौन कौन खिलाएगा कौन नहीं खिलाएगा, ये कल ही बात होगी। तो कल 3 बजे आना हम है मुझे भैया एक आपको। हफ्ते से यहाँ है लखनऊ में। हमारी जी भैया, मजा का मैं विराट, आपकी सुन बात लीजिए, समझ रहा अब हूँ। हाँ समझ रहे मैं ना। अब जी, तो हम एक हफ्ते से यहाँ लखनऊ में हैं। मेरा जो है भाई का एक्सीडेंट हो गया था सिधौली में, अच्छा तो हमारी मदर का ऑपरेशन है, भाई का ऑपरेशन हो चुका है। हम ट्रामा सेंटर में हैं एक हफ्ते से, समझे भैया? जी। अगर हम पहुँचेंगे तो हम मुलाकात कर लेंगे थाने। अच्छा, एक्चुअली होना ये था कि जी भाई सब लोगों को पुलिस उठाने वाली थी या घर पे जी जाती, भाई जी तो ये हुआ कि हम लोगों से बातचीत हुई, तो यही हुआ कि सबको बुला के एक बार बातचीत कर लीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा है ना मोहल्ले में, किसी जी जी के घर पे पुलिस जाती है तो अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, तो तो हम तो इसीलिए एक हफ्ते बुलाया से गया है भी है। नहीं भैया वहाँ, हाँ हम तो एक हफ्ते से हैं भी नहीं वहाँ। तो भाई, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको जैसा आपको उचित लगे आप करिएगा। चलिए ठीक है, हम बात कर लेंगे। ठीक है भैया, शुक्रिया फोन करने के लिए। बाकी जैसे जो बात वहां रखी जाएगी मीटिंग में, तो अगर आप जी नहीं भी आएंगे तो आपको पहुंचाई जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए ठीक भाई। असल में हमारी अम्मी का ऑपरेशन है, जी, वो फेसबुक पे आपने देखा होगा। अब अच्छा। किसी से मालूम कर सकते हैं, अगर तहसील में रहते हैं, तहसील के पास रहते हैं या बीबीपुर में रहते हैं तो आपको मालूम होगा। जी, ठीक है भाई। चलिए भाई, शुक्रिया भाई। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ, मामून से बात हो रही है? हाँ, कौन? मैं मृत्युंजय बात कर रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी, योगी जी के संगठन से। मुद्दा यह है कि आप लोगों की कोतवाली से लिस्ट आई है जितने भी सटोरी हैं अहमदाबाद के, रिकॉर्डिंग के साथ। तो आप लोगों की कल पुलिस के साथ एक मीटिंग है तहसील के सामने, युवा वाहिनी कार्यालय में, तो 3 बजे आ जाइएगा। हेलो हाँ जी भैया, हम लखनऊ में ट्रामा सेंटर से एक हफ्ते से भैया, आपको आना तो पड़ेगा, आप लखनऊ से एक हफ्ते से, तो आप कल सुबह निकल आइएगा, 1 घंटे का काम है भैया, आइए, क्योंकि घर पे पुलिस जाएगी तब भी अच्छा नहीं लगेगा। एक हफ्ते से हमारे वहाँ घर पे एक्सीडेंट हो गया है। भैया मेरी बात समझिए, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, मुझे कहा गया फोन करने के लिए, इसलिए मैंने आपको फोन किया, मैं आपको जानता भी नहीं। तो चलिए ठीक स्पष्टीकरण है, आपका जो भी है, आप कोतवाल साहब के सामने समक्ष रखिएगा, लिखित या मौखिक जो भी रखना है, कल 3 बजे युवा वाहिनी कार्यालय तहसील के सामने। हेलो हाँ हेलो हेलो, भाई। जय हिंद जय हिंद, भाई। अतुल भाई बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। अरे कल सुना है आपके वहाँ जो है सटोरियों की जो है वो रखी गई मीटिंग। कौन जी आप? कौन? मामून बोल रहे भाई। मामूल। हाँ तो पहुंच जाइए, कितने बजे बताया गया? मैं तो, हमें लग रहा है 3:30 बताया गया है, ठीक है, तो मिलेंगे, मिलेंगे तो कहाँ पे मिलना है? तहसील के सामने ऑफिस है, वो आ जाइएगा। ऑफिस तो हम जानते हैं आपका, तो हम ऑफिस में। हाँ, ऑफिस में आ जाइए, अच्छा हम वहीं मिलेंगे। चलिए चलिए ठीक। हेलो, हेलो, फरीद से बात हो रही? कौन बोल रहे हो? हेलो, हाँ फरीद से बात हो रही मेरी? नहीं भैया, बताइए, भतीजे बोल रहे अच्छा, हैं। नहीं, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, हिंदी वाहिनी से मृत्युंजय शर्मा। वो आप लोगों की कंप्लेन आई है सट्टे की, तो कल यहाँ तहसील के सामने एक मीटिंग रखी गई, मतलब जो भी सटोरी है सब लोगों को बुलाया गया है, यहाँ बैठ के बातचीत करनी तहसील के सामने युवा वाहिनी कार्यालय में। अच्छा, कौन बोल रहे हैं भाई? मैं मृत्युंजय बात कर रहा हूँ, कौन? मृत्युंजय बात कर रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी से। तो इसमें क्या बात होनी है भाई? अब इसमें बातचीत करनी है कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सट्टेबाजी चल रही है अहमदाबाद में, इसी संबंध में बात करनी है। आप ही नहीं, सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, नहीं भाई, हम सट्टा खिलाते ही नहीं। हाँ पहले खिलाते थे, अब नहीं खिलाते। अब नहीं खिलाते हैं तो ठीक, कल आप आइए और यहाँ पे आप बता दीजिए, लिखित में दे दीजिए कि आपके सट्टे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, देना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, हमको नहीं जाएगा तो प्रशासन के लिए, हम लोगों को जिम्मेदारी नहीं है भाई, जब खिलाते नहीं तो आप पूरे महमूदाबाद के लोगों को आप बुलाइए और उनसे कह दीजिए कि यहाँ पे आके लिखित में आप दे दीजिए कि आप सट्टा खेलते थे आपके, जब हम खिलाते नहीं है तो हम क्यों आएंगे? इसे तो सबको बुला सकते हैं। मेन चीज भैया, आपकी रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल है, जब आप आगे यहाँ बैठेंगे और सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये हम ही। मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी आवाज़? जी, आपकी आवाज़ थी।
अच्छा जरा सेंड कर दीजिए भाई, सुनते हैं। देखिए भैया, हम यहाँ बुला रहे हैं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपसे जबरदस्ती आपको बुला रहे हैं। जैसा आदेश हमको मिला वैसा आदेश हम आपको दे सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, लेकिन आप आएंगे जरूर जी भाई, आपको आना है भैया, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा जी। बात ही तो करनी है यहाँ बैठ के, बात करनी तो ठीक है। हम जो है अपने यानी कि जो हमारे मिलने वाले हैं उनको भेज देंगे, बात एक ही है जो। नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं, आपके मिलने वाले कोई हो, अगर वकील हो कोई भी हो तो आप लेते आइएगा, ऐसा कोई यहाँ पे गोलियाँ नहीं चलने जा रहे हैं। बस बात ही करनी। युवा वाहिनी का कार्यालय आपने देखा है, कुबेर जी प्रिंटर तहसील के सामने, अतुल भाई के वहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, अतुल भाई के। अतुल भाई, अतुल भाई हैं आपके पास में? नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। अगर अतुल भाई होंगे तो अतुल भाई से आप मेरी बात करा दीजिएगा। भैया कल 3 बजे का समय है, अगर आपकी इच्छा करेगी तो आप आइएगा, बाद में जिम्मेदार मत है। हेलो, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हेलो, हाँ भैया, कौन सा बोल रहे हैं, हम जान नहीं पाए थे आपको। मैं मृत्युंजय शर्मा बात कर रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी योगी जी के संगठन से, जिला उपाध्यक्ष शर्मा जी। जी, तो आपसे कल कोतवाल साहब मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे ही जितने भी सत्यवादी महिला के सबके साथ। अच्छा अच्छा, चल कल आइए, बैठिए, बातचीत करिए, अपना तय तोड़ करिए। संगठन को जिम्मेदारी दी गई ताकि आप लोगों को खतरा ना महसूस हो, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों का कोई बाल बांका नहीं करेगा। अच्छा। हम लोग मीडिएटर हैं, ठीक है, तो आप कल आइए यहाँ पे, बातचीत कर लीजिए, अपने अपने घर चले जाइए 3 बजे आने। अच्छा, तो भाई हमसे तो इससे कोई लेना देना, जब भाई नहीं तो आने का आ जाएंगे। आपकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई जाएगी तो आप कहेंगे। अरे तो रिकॉर्डिंग 1 साल पहले की होगी, तो पहले था जब पांडे जी थे, उसके बाद आते आप अपनी सफाई भैया दे दीजिएगा। मान लीजिए मेरा कोई मतलब नहीं, हम तो बस फोन कर रहे हैं आपको, आदेश का पालन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। संगठन का फोन इसलिए कराया गया ताकि कोई डर का माहौल न हो, लोग आ गए और आराम से मीटिंग ज्वाइन करो, बातचीत हो, इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ, पुलिस भी कर सकते। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ जी। अरे भैया जी, हमको क्या करेंगे बुला के वहाँ, तो आप बताइए भैया, बताएं भाई, क्योंकि हम बीमार, अभी सर्जरी करा के हम आए हैं, चल फिर ज्यादा हम पाते नहीं, अगर आपकी कोई बात हो तो हम आ जाएं। नहीं नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं है, तो बाकी तो मैसेंजर है। मैंने सिर्फ पूछा आपको दी है जी, बातचीत ये है कि इतने लोगों को कोतवाली में बिठा के बात करना थोड़ा गलत है। जी जी जी, तो किसी के घर पे पुलिस जाए ये भी गलत है, तो इसलिए संगठन बीच में इन्वॉल्व हुआ है कि पुलिस के बीच और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उस दूरी को मेंटेन करना है, मतलब कम करना है। जी जी, बस सीधी सी बात ये है कि नहीं, तो भाई खिलवा रहा है, पैसे भी दे रहा है, उसके बाद भी पुलिस परेशान कर रही है, जो पुलिस वाला पैसा नहीं दे रहा उसका भी नाम वायरल किया जा रहा है, किसने रिकॉर्डिंग डाल दी थी। अच्छा, हम तो भाई सर में कुछ गड़बड़ तो रहे नहीं थे, अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइएगा अभी, यहाँ पे दो लोग तो आज ही आ गए हैं मिलने के लिए। कौन कौन आया है? बाबू, आप बाबूपुर प्रधान है आपके, मुनीर। अच्छा 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 अच्छा, जी जी, वो आए हैं, एक लड़का है यहाँ का, कैथी टोला का लाला है, क्या नाम है, अजीत सलाम है, कोचू जी जी, वो आया है, ये दो लोग तो बैठे हैं, तो कोई अभी हमें मीटिंग ही नहीं कर रही, तो लोग बैठे हैं बस ऐसे बातचीत हो, चाहे अभी कितने जाएंगे, मीटिंग कर ली होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं लोड ज्यादा मत लीजिए भाई, अरे अब हार्ट के पेशेंट है, बिजनेस का दूर दूर लोड लेंगे तो बिजनेस होना नहीं पाएगा। ठीक है, आइए, चल आइए। चलिए ठीक है, अभी आते हैं फिर। ठीक, हेलो हेलो, हाँ हेलो, बात करो। हेलो हेलो, कौन? हाँ भैया, पाठक बोल रहा हूँ। पाठक भाई, वो नहीं अतुल भाई नहीं है क्या? नहीं, आप बताइए क्या कहना, बता देंगे हमको। अच्छा, नहीं मतलब वो जो मीटिंग आपने रखी थी तो क्या हुआ उसका? तो उसमें तो आप लोग डिस्कस करिए ना, आप लोग करना। नहीं, हम क्या डिस्कस करें बताइए भाई, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी हमारा नाम है, तो मैंने कहा चलो भाई चालू हो जाए काम, तो इससे अच्छा क्या बात है। नहीं, कर नहीं रहे हैं तो नाम तो हमारा, आपके पास हमारे पास आपका नाम आया है ना, तो नाम तो हमने बुलाया था। हाँ ठीक है, तो अब जैसे करना है वैसे कर लेंगे, क्योंकि भाई जो ऊपर बैठा है जी, उसको जानकारी है लेकिन उस तक कुछ पहुंच रहा नहीं है। नहीं, जानकारी है, पहले हम पिछले जब अनिल पांडे सर थे तब हम करते थे। जी जी जी, उसके बाद में उन्होंने हमको एक दिन बुला के हमको मना कर दिया कि भैया आप काम ये नहीं करना, तो मैंने कहा ठीक है भाई जी, अब हम नहीं करेंगे, तो ठीक है उस दिन से हमने बंद कर दिया था। और अगर काम बंद है, अगर आप लोग चालू करा दें तब तो बहुत ही अच्छा है। काम कर रहे हैं अगर तो करिए, कोई नहीं तो कर है। नहीं, आप कर नहीं रहे हैं ना, हम तभी तो कह रहे हैं आपसे, अगर चालू हो जाए तो भाई जो होगा वो हम देंगे आपको। तो दुनिया खेल रही है, आपको है अगर खेलना लगता है तो खेलिए। नहीं, खेलते रहेगा, हम लोग तो खिलाएंगे, खेलेंगे, वही वही मतलब, वही खिलाने का मतलब है। ठीक है, खिलाना है खिलाइए, बाकी इधर समझ लीजिए बात खत्म।
जब ऊपर से भाई ऊपर तक जाएगा तभी तो शांति के साथ खेल पाएंगे, खेलाए भी और उसके बाद फिर डंडा हो तो मजा नहीं आता। नहीं तो हम खिला नहीं रहे डंडा पे, ऐसे थोड़ी नहीं मान के जब खिला रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वही नहीं बता रहा खिला नहीं रहे, खिला नहीं रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस है बाहर आएगी ले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हमको, फैसला ही होगा, समझ रहे हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी अपना देख लीजिए क्या करना है। अरे खिलाएंगे फिर। हाँ तो ठीक है, तो फिर जो इधर जो सिस्टम है वो बता दीजिएगा हमको, नंबर मेरा ले लीजिएगा इनसे, आप हमसे बात कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, तो नंबर आप हमें दे दीजिए ना अपना, नंबर लिख लो 83035। एक सेकंड भाई जी, एक सेकंड 83035 4252 83035 42582। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, शुभ नाम आपका भाई साहब? अंकुर पाठक। अंकुर पाठक जी सर, तो ऐसा है हम आपसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद में भी डिस्कस होगा, उसके बाद में जो है सब बात फोन पर नहीं अच्छी होती है, मुलाकात करिएगा आगे, ठीक है? हाँ हाँ, कल आपसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद में जो है चालू करा देंगे हमारा काम, तो बहुत ही अच्छा है, बेरोजगार बैठे हैं, जो 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 होगा अपना मतलब मुलाकात करिए भाई और फोन करिए। ठीक ठीक ठीक। सोशल मीडिया पर हिंदू वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर ऑडियो वायरल हो रही है जिसे सट्टेबाजों से जोड़ा जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जय श्री राम। ऑडियो मेरे पास भी आई है और मैंने इसको सुना है। एक ऑडियो में मेरी आवाज है जिसमें मुझसे कोई पूछा जा रहा है कि क्या कोई आपके वहाँ मीटिंग है 3 बजे, और मैं उस समय कार ड्राइव कर रहा हूँ। ये घटना करीब 7 या 8 तारीख की है, 8 तारीख की घटना है, एक फैमिली फंक्शन में मैं था उस दिन की है। मैं कार ड्राइव कर रहा उस समय मेरे पास एक फ़ोन आया और बोला मैं क्या आपके वहाँ कोई मीटिंग रखी गई है? कुछ मामून करके नाम लड़के ने बताया, तो हमने कहा हाँ हाँ रखी गई, आप मीटिंग में पहुँच जाइएगा। ये मेरी आवाज़ है और मैंने बोला है मेरी ही आवाज़ है, लेकिन इसको किस दिशा में कहाँ से जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है, क्या नहीं है, इसके लिए संगठन पूरी एक टीम बना लिए है, सर्वे करा रहा है, देख रहा है कि कहां पर क्या जोड़ा गया है, किसने क्या किया है। नगर इकाई महमूदाबाद के कार्यकर्ता का भी एक दो, जो हमारे महमूदाबाद नगर इकाई उसके कार्यकर्ताओं का भी एक दो उसमें नाम है, उस पर भी संगठन विचार कर रहा है और उनके पे जांच का आदेश दिया है। मृत्युंजय शर्मा भानु करके एक कार्यकर्ता आपके बता रहे हैं कि हम हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, उनका भी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और एक पाठक करके कोई आपके कार्यकर्ता है उनका भी ऑडियो है जो उन ऑडियो में सुनने को मिल रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? पाठक मेरे संगठन में हैं, अंकुर पाठक जी हैं जी। वो महमूदाबाद के कार्यकर्ता हैं और बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं। और दूसरी बात है शर्मा करके जो आप बता रहे हैं वो संगठन में हमारे नहीं हैं, वो विश्व हिंदू परिषद में मेरे हिसाब से हैं, युवा वाहिनी में नहीं है, हो सकता है कोई कन्फ्यूजन रहा हो उनको बोलने में सुनने में, वो हमारे संगठन में नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद में, मैं जानता हूँ उनको बड़ी बात। सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वायरल हुई है, जिन लोगों ने ऑडियो वायरल की है, जिन लोगों की ऑडियो में संलिप्तता है उनके खिलाफ कार्रवाई? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ मैंने कह दिया है, आप महामंत्री जी हैं, मैंने इनसे बात की है, और ये तहसील अध्यक्ष है महमूदाबाद तहसील देखते हैं, इनसे भी कहा, क्योंकि महमूदाबाद तहसील की ये घटना है, तो उस पर भी कह दिया है कि आप लोग जांच करिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ एक कार्रवाई करी जाए।